स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है क्लास सेवेंथ के साइंस, सेवेंथ के साइंस का जो चैप्टर है न्यूट्रिएंट प्लांट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है हाउ न्यूट्रिएंट आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। सॉइल में जो है न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस हम कैसे करते हैं। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जब खेतों में पौधे फसल जब उगाए जाते हैं और उगाने के बाद जब उसमें कल्टिवेट कर दिया जाता है, फसल को काट लिया जाता है, तो उसके मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, ताकि दूसरा फसल अगर हम उसमें उगाते हैं तो हमारा पौधा ठीक से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो अब उसके अंदर न्यूट्रिएंट बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, उसके अंदर पुनः न्यूट्रिएंट्स का मतलब कि उसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और प्रोटीन जो है कैसे, पोटेशियम जो है कैसे डाला जाए ताकि उसमें फिर से न्यूट्रिएंट आ जाए और पौधा दोबारा उस फील्ड में उगाया जाए ताकि पौधा अच्छा ग्रोथ करे और अच्छा पैदावार हो। तो इसके लिए दो प्रोसेस किया जाता है। पहला जो है न्यूट्रिएंट का रिप्लेस इन द सॉइल बाय एडिंग द फर्टिलाइजर मैन्योर। खेतों में फर्टिलाइजर जो है मैन्योर खाद डाला जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है, मैन्योर डाला जाता है, जिसके चलते उसके अंदर तुरंत दोबारा जो है आपका न्यूट्रिएंट आ जाता है। एक बार पौधा जब खेत में उगाया जाता है तो क्या करता है, वो मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम लेकर ग्रोथ करता है। ग्रोथ कर लेता है तो वहां पर मिट्टी में फिर उसकी कमी हो जाती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की, तो उसमें मैन्योर डाला जाता है, फर्टिलाइजर डाला जाता है। फर्टिलाइजर क्या होता है कि फर्टिलाइजर में जनरली नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। तो उसी फर्टिलाइजर को जब खेतों में डालते हैं या फील्ड में डालते हैं तो फिर से मिट्टी के साथ जाके मिलकर जो उन्हें सफिशियंट मात्रा में फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटेशियम देता है, जिसके चलते दोबारा अगर हम फसल उगाते हैं तो उसमें से पौधे को जो है नाइट्रोजन मिलता है और फास्फोरस मिलता है, एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट होता है उसको मिल जाता है और पौधे पूरा ग्रोथ करते हैं, अच्छा ग्रोथ करते हैं, पैदावार अच्छा होता है ना। तो दो प्रकार का जो हमारे न्यूट्रिएंट जनरली डाला जाता है, तो सबसे पहले कि फर्टिलाइजर मैन्योर कंटेन पोटेशियम नाइट्रोजन कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट। जो हमारा फर्टिलाइजर और मैन्योर होता है वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है। दो प्रकार के फर्टिलाइजर यूज करते हैं, होता है एनपीके और एक होता है यूरिया। एनपीके जो होता है हमारा बना सकते हैं, उसको रीच कर सकते हैं, रीच न्यूट्रिएंट हो जाता है आपका। दूसरा जो होता है कि उसके अंदर एक पौधा क्रॉप उगाया जाता है जिसको बोलते हैं लेगुमिनस क्रॉप। लेगुमिनस क्रॉप से उगाता है, लेगुमिनस क्रॉप में कौन कौन से आते हैं, तो चना हो गया, बीज हो गया, पल्सेस हो गया, बीज हो गया, है ना, बीज हो गया, पल्सेस और बीज, ये सारे क्रॉप्स होते हैं, इसको बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट्स के क्रॉप्स बोलते हैं। इन प्लांट्स सच प्लांट्स हैव रूट नोड इन इन देम। ये प्लांट्स क्या करते हैं कि उसके जो रूट होते हैं उसमें नोड्स होते हैं और उस नोड्स में बैक्टीरिया पाया जाता है। इस बैक्टीरिया को बोलते हैं रिजियो बैक्टीरिया, ठीक है ना, रिजियो बैक्टीरिया इसको हम बोलते हैं। ये बैक्टीरिया चूंकि ऐसे हमको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है और प्लांट्स जो होता है नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं लेते, ठीक ना। तो अब जब डायरेक्टली नहीं लेते हैं तो फिर उन्हें कैसे मिलेगा नाइट्रोजन, ठीक। और अगर हम इन सब प्लांट्स को अगर खेतों में उगाते हैं तो इन सब प्लांट्स के रूट में नोड्स होते हैं और नोड्स में ये वाले बैक्टीरिया उसके अंदर पाए जाते हैं, रेजियम जो बैक्टीरिया उसके अंदर पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेता है और उस नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। एंड बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस लेकर उस नाइट्रोजन गैस को जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और उस नाइट्रेट को मिट्टी में मिलाता है, क्योंकि नोट्स में ही होता है बैक्टीरिया और नोट्स अर्थ के अंदर ही होता है, मिट्टी में ही होता है। तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और उस नाइट्रेट का कुछ भाग जो होता है प्लांट्स ले लेता है, कुछ भाग जो होता है मिट्टी में क्या रहता है उसी का उसी तरह पड़ा रहता है, जिसके बारे में मिट्टी में जो है न्यूट्रिएंट रीच मात्रा में रहता है, उसकी कमी भी नहीं होती है और प्लांट्स हमारा ग्रोथ भी कर जाता है। तो ये भी एक तरीका है, उसके अंदर ये खेती में ये सारे प्लांट्स अगर हम वो दे चना बीज अगर वो देते हैं तो उसके अंदर जो नोड्स होते हैं, नोड्स में जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन
नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट का कुछ भाग प्लांट में लेता है और कुछ भाग जो है मिट्टी में ही रह जाता है, इसके चलते मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो पाती है। तो ये दो प्रोसेस है जिसके चलते हम सोयल से न्यूट्रिएंट को रिप्लेस करते हैं और पुनः जो उसे बीज बना सकते हैं, बीज न्यूट्रिएंट उसको बना सकते हैं। ठीक, एक